नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपको इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम BSNL से संबंधित एम्प्लॉय से संबंधित न्यूज आपको अपडेट दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव को IDA के भुगतान के संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है कि BSNL जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि केरल हाईकोर्ट जो आदेश दिया था, लेकिन DOT और BSNL प्रबंधन चकमा दे रहा है और न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रहा है। और ये लोग चकमा दे रहा है, न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रहा है, इसीलिए महासचिव PCOM अभिमन्यु ने हमारे अधिवक्ता से इस मामले पर चर्चा की और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और उसने महाअधिवक्ता से जो है चर्चा की है इस पर कि जो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, इसका क्या कानून कार्रवाई की जाए, इसी पर चर्चा की है। CHQ द्वारा अधिवक्ता को संबंधित दस्तावेजों के साथ विस्तृत पत्र भी भेजा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप BSNL के अधिवक्ता श्री VV सुरेश ने सूचित किया है कि उन्होंने माननीय केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस सप्ताह इस पर सुनवाई होने की संभावना है। और BSNL की जो अधिवक्ता हैं VV सुरेश जी ने उन्होंने पी अभिमन्यु जी को सूचित किया है, यानी जानकारी दी है कि मैंने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है और इस हफ्ता उस पर सुनवाई होने की संभावना है। फिर एक दूसरे न्यूज का, BSNL कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी, महासचिव ने एक बार फिर सीनियर GM के साथ चर्चा की। जी हाँ, तो BSNL के इच्छुक BSNL कर्मचारी को चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की पहल की है। कौम ने आज एक बार फिर AM गुप्ता सीनियर GM से बात की है और इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि इस प्रस्ताव को इस सप्ताह तक HR से मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद प्रबंधन बीमा कंपनियों के साथ बातचीत के लिए अधिकारियों की एक समिति बना सकता है। यह पता चला है कि प्रबंधन 4 सरकारी बीमा कंपनियों जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस से संपर्क कर सकता है और कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बीमा योजना प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करेगा। इस योजना में प्रीमियम दरें अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि दरें BSNL के प्रबंधन खुद ही करेंगे। महासचिव चिकित्सा बीमा योजना की यथाशीघ्र लागू करने के लिए GM एडमिन के साथ लगातार संपर्क में है। जी हाँ, तो BSNL UK माफ़ कीजिएगा, BSNL के जितने कर्मचारी हैं उनको एक चिकित्सा बीमा की जो है योजना लागू होने वाली है, इसी पे काम चालू है अभी। अब आता है BSNL कोविड फंड। इन्होंने लिखा है, कृपया गुमराह न करें, BSNL कोविड फंड यूनियनों और संघों और प्रबंधनों का सामूहिक प्रयास है। कोविड पीड़ितों के परिवारों को BCF से 10 लाख रुपये की कौड़ी राहत मिलेगी। BSNL की मांग है कि कोविड पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो BSNL अन्य यूनियनों और संघों के साथ शामिल होगा और इसके लिए लड़ेगा। साथ ही BSNL के प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह BSNL कोविड फंड में एक दिन का वेतन अंशदान करें। यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि कुछ कर्मचारियों के बीच एक अभियान चला रहे हैं, उन्हें एक दिन का वेतन योगदान नहीं करने के लिए कह रहे हैं। कृपया उनके द्वारा गुमराह मत करो। कृपया यह ना भूलें कि हमारे सहयोगियों के परिवारों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपनी जान गंवाई है। सच है, हर एम्प्लॉय को इसमें भाग लेना चाहिए, अपने एक दिन का सैलरी देना चाहिए, ताकि जो कोविड से प्रीत से जान गई है उसको कुछ राहत मिल सके। तो हम सब एम्प्लॉय से अनुरोध करते हैं कि वो अपना एक दिन का वेतन अवश्य दें, ताकि कोविड के कारण जान गई BSNL कर्मचारियों के परिवारों की कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी। फिर हाजिर होते हैं अगले अपडेट के साथ। दोस्तों नमस्कार।